अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? एक बार फिर से मेरे चैनल के ऊपर आपका वेलकम। चैनल का नाम तो आप लोगों को पता है, लर्न एंड अर्न विद अमार। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने लेक्चर अपलोड किया था, बड़ा बिगनर लेवल था कि किस तरह से हम एक आर्टबोर्ड या डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है अफ्रीकन और अमेरिकन के बारे में, ठीक है, ताकतवर लोगों के बारे में, ठीक है। अब पता तो समझ तो गए होंगे कि ताकतवर किस सेंस में। तो बात इस तरह से है कि ये एक क्यूरियस टॉपिक है आज का, तो क्यूरियस इन अ सेंस कि अब इलस्ट्रेटर के अंदर मेरे ख्याल में तो किसी को भी नहीं आइडिया, मैं तो नहीं समझता कि किसी को अभी तक आइडिया होगा कि अफ्रीका कौन था और अमेरिका कौन था। ऐसे सारों को पता है। अब जो ये चीज़ है, मतलब ये दोनों वर्ड्स अफ्रीकन और अमेरिकन, ये असल में है क्या? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आज के जो है थंबनेल और साथ में एक वीडियो रेडी की है। समझना बहुत ज़रूरी है ये दरअसल क्या है, इनके ऊपर वर्किंग किस तरह से होती है, ये किस तरह से यूज़फुल है एक डिज़ाइन के अंदर, ठीक है, और बिगनर लेवल के ऊपर इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी बैक एंड की स्टोरी क्या है, ये आज जो है हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोगों को ज़रा बताता हूँ ये अमेरिकन और अमेरिकन है क्या चीज़। तो आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर, और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा क्यूरियस भी कर रहे हैं लोगों को, और कुछ इसके अंदर सस्पेंस भी है कि आखिर ये दो नाम जो थंबनेल के अंदर मेंशन किए गए थे कि अफ्रीकन और अमेरिकन, ये तो हैं क्या? मतलब इलस्ट्रेटर के अंदर मुझे नहीं लगता कि पहले किसी ने सुना होगा, मेरे स्टूडेंट्स के अलावा किसी ने ये चीज़ नहीं सुनी होगी, अफ्रीकन कौन है, अमेरिकन कौन है, वो भी इलस्ट्रेटर के अंदर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दोनों जो हैं ये टूल्स हैं, अफ्रीकन और अमेरिकन ये दोनों टूल हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल हैं हमारे इलस्ट्रेटर के अंदर। दरअसल हम लोग टूल्स को देख तो लेते हैं, उसका यूज़ करना भी सीख लेते हैं, लेकिन हमें बैक एंड की स्टोरी, हमें उसके कंसेप्ट वो क्लियर नहीं होते। स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो उधर वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये टूल क्या काम करता है, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं, और कोई अगर डेली लाइफ से अगर आप समझाना चाहें तो आप इस टूल को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, कि इस चीज़ का हमें आइडिया ही नहीं होता, ना उन बच्चों को आइडिया होता है। तो ये मेरा खुद का एक बनाया हुआ कंसेप्ट है, तो मेरे ख्याल में अब इस टूल के बारे में पढ़ना चाहिए कि आखिर ये टूल अफ्रीका वाला है कौन सा। अफ्रीकन टूल है, बड़ा ताकतवर टूल है, सेहतमंद टूल है, लेकिन बेचारों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो इस टूल के पास भी रिसोर्सेज कम है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन, जिसके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, पावर भी है, ठीक है। और देखते हैं कि टूल कौन सा है। दरअसल ये जो टूल है हमारे पास, इसे कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या फिर मूव टूल। ये मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ था ताकि मुझे यहाँ से टाइपिंग ना करनी पड़े दोबारा से। अच्छा, ये सिलेक्शन टूल या मूव टूल अफ्रीकन, असल में ये ब्लैक कलर में होता है, तो इसका इसलिए नाम मैंने अफ्रीकन टूल रखा है। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो वी है, इसका क्या नाम है, सिलेक्शन या मूव टूल। हम इसके नाम से पता चलता है कि ये सिलेक्शन के काम आता है और मूव के काम आता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो मैंने नीचे मेंशन की हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया था, जो मुझे पता थी, मैंने वो मेंशन कर दी कि ये किस में एक ऑब्जेक्ट है आपका बना हुआ, उसको मूव करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। मूव कब होगा, जब आप सेलेक्ट करेंगे एक ऑब्जेक्ट को, ऐसे तो कोई मूव नहीं कर सकता ना, कि आपने एक चीज़ को सिलेक्ट ही नहीं किया तो वो मूव कैसे कर सकती है। तो ये सिलेक्शन टूल इसलिए है कि पहले आप उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको आप मूव कर सकते हैं। दूसरी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये ट्रांसफॉर्म के अंदर काम आता है, मतलब साइज को बिग एंड स्मॉल करने के लिए, ठीक है। साइज को जो है लोकेशन साइज की, सॉरी सॉरी लोकेशन कह रहा हूँ, साइज की लोकेशन कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर काम आता है, मतलब उसकी लोकेशन चेंज करने के अंदर, मतलब दो पॉइंट से तो आप उसको किसी और जगह ले जाएं, रेक्टेंगुलर है, ये मैं प्रैक्टिकल करके आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा, मेकिंग पॉइंट्स जो होते हैं, कर्व किस तरह से किए जाते हैं, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज बहुत कम हैं, इसके फंक्शंस भी बहुत कम हैं। मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको कि ये हमारे पास एक है ऑब्जेक्ट, मैं क्या किया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, अब ये मूव नहीं हो सकता जब तक मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं कीबोर्ड पे वी का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये देखें
मेरे पास ये टूल सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको या तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग किया माउस को अपने, तो सेलेक्ट हो गया, या तो सिंपल इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब आप इधर देखें कि जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं इसको, अब सेलेक्ट करते वक्त क्या है कि इसके 8 पॉइंट आ गए हैं रेक्टेंगुलर के, और अंदर से 4 पॉइंट आ गए हैं और एक सेंटर पॉइंट है। अच्छा, ये जो आपके बाहर पॉइंट है ना 8, ये एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं, जिनसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या तो साइज बड़ा छोटा होगा या रोटेशन के अंदर काम आएगा। ओहो, असल में सारी रात नहीं सोया, तो तबीयत खराब होने की वजह से मुझे थोड़ी सी नींद भी आ रही है ज़रा सा। एनी हाउ कंटिन्यू कर दो। जो ये पॉइंट है, ये अगर आपको नज़र आ रहे हो अंदर के पॉइंट, ये कर्विंग पॉइंट है, जहाँ जिस तरह से मैंने मेंशन किया ना इसकी प्रॉपर्टी के अंदर कि ये कर्व करता है पॉइंट्स को, मूव टूल, तो ये कर्विंग पॉइंट है। इसके बाहर वाले कौन से हैं आपके, एंकर पॉइंट्स हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के या रोटेशन के काम आते हैं, जो इनसाइड के पॉइंट्स हैं वो कर्व करने के काम आते हैं। अब ये किस तरह से हो रहा है, मैं अगर इस पॉइंट को क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, ये देखें ये आपका साइज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये देखें ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, इसको अंदर की तरफ ले आता हूँ या बाहर की तरफ ले जाता हूँ, तो ये साइज ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसका। दूसरा, अगर मैं शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड करके इस पॉइंट को पकड़ता हूँ, तो ये सेंटर पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल एंड बिग कर रहा है, स्मॉल एंड बिग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली हो रही है। अच्छा, अब ये तो एंकर पॉइंट्स को पकड़ के हमने मूव करना शुरू कर दिया ना। अगर मैं एंकर पॉइंट के थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता हूँ, इसको सिलेक्ट नहीं करता, बिल्कुल इस पे होवर नहीं करता, थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये अब हमारा जो एरिया था वो कर्व में आ गया, दो एरोज आ रही हैं विद राउंड कॉर्नर्स, ठीक है। तो मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, ये देखें यहाँ से, तो ये देखें ये रोटेशन के लिए काम आ रहा है, रोटेट करने के लिए। मैं साथ में शिफ्ट का बटन भी होल्ड कर लेता हूँ, तो ये देखें ये 45 डिग्री के ऊपर उसको रोटेट कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट को। क्लियर होगी ये बात। अब जो अंदर के पॉइंट्स हैं, ये जो है कर्विंग पॉइंट, आप इस पे क्लिक करें और इसको फिर ड्रैग करें, तो ये यहाँ से कर्व हो सकता है। अब आप किसी को क्लिक नहीं करते, मतलब डायरेक्ट जो है आप क्लिक एंड ड्रैग करें, तो ये आपके सारे पॉइंट कर्व हो जाते हैं। अब मैंने कहा था ना कि अफ्रीका है, ठीक है तो ताकतवर, ठीक है, ब्लैक्स आर ऑलवेज द पावरफुल, समझ तो गए होंगे, लेकिन इसके रिसोर्सेस कम है एज कंपेयर टू अमेरिकन। अब आती है बात अमेरिकन पे, अमेरिकन क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है, इसे कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है ए, ठीक है, ए इसकी डायरेक्ट सॉरी शॉर्टकट की है। तो अब ये इससे ज्यादा पावरफुल कैसे है, अब वो देखते हैं। सेम इसके जो है आपके पास फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फर्क है और कर्व करने के अंदर भी फर्क है। अब मेरे पास ये एक शेप है वापस, मतलब ऑब्जेक्ट है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए प्रेस करता हूँ तो ये आ जाएगा, ये देखें वाइट कलर में है, तो इसलिए अमेरिकन कहलाता है, याद रहेगा। अब रिसोर्सेज अमेरिका के पास ज़्यादा होते हैं ना। अब देखें कि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ईच पॉइंट की बड़ी ये छोटी नहीं हो सकती, ये देखिए जिस तरह यहाँ पे होता था, वी प्रेस करते थे ना, वी प्रेस करते थे तो ये हो जाता था इस तरह, लेकिन यहाँ पे क्या सिनेरियो, यहाँ ए प्रेस किया, अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक इस पॉइंट को मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से क्लिक करके। अब किसी का दिल करता है, वो कहता है कि मैं सिर्फ इन दो पॉइंट्स को और इस पॉइंट को मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूंगा, अब देखें सिर्फ दो पॉइंट सेलेक्ट हुए, शिफ्ट का बटन होल्ड करूंगा और फिर इस तीसरे पॉइंट को भी सिलेक्ट करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीन पॉइंट्स को मूव करा सकता हूँ कहीं भी, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिर्फ कर्व देना चाहता हूँ, तो मैं इन दो को पहले सिलेक्ट करूंगा, अब देखें कर्विंग पॉइंट इसके ओपन हो गए हैं, शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, तो ये भी तीसरा कर्विंग पॉइंट भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरह से
तो ये देखें सिर्फ उन 3 पॉइंट्स को कर्व किया, हालांकि अगर वी प्रेस करके मूव टूल से करता था तो ये सिर्फ 2 पॉइंट सिलेक्ट नहीं होते थे, वो सारे ही हो जाते थे। तो इसके अंदर वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं थी जिस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर, अमेरिकन टूल के अंदर है। तो यहाँ रिसोर्सेज का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये किस काम आ सकता है? लाइक अगर मेरे पास ये एक स्केयर है और इसका कलर थोड़ा सा मैं ग्रे में लेता हूँ, इसको प्रॉपर स्केयर बना लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और चीज़ है कॉपी करने का तरीका। यहाँ भी अमेरिका जो है ना आगे है भाई जान। कॉपी करने का तरीका क्या है कि ये आपके आपके पास, ये अफ्रीका के पास जो था ना एक ऑब्जेक्ट था, या ये वाला ऑब्जेक्ट था अफ्रीका के पास, ये वाला। अब ऑल्ट का बटन दबाया तो अमेरिका आ गया साथ, व्हाइट कलर का आपके पास एक और कर्सर नजर आ रहा है जिसको मैंने अमेरिका का नाम दिया, वो आ गया। वो कह रहा है कि भाई जान ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका रिसोर्स है, ये मुझे एज इट इज चाहिए, मुझे इसकी कॉपी चाहिए सेम बिल्कुल। तो मैंने ऑल्ट का बटन होल्ड किया हुआ है और क्लिक करके मैं सेम उसकी कॉपी लेके चला गया। तो अमेरिका वाले करते ही ऐसे हैं, चुप करके रिसोर्स लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने उसके रिसोर्स सेम एज इट इज कॉपी कर ली। तो असल में समझाने का मकसद क्या था कि एक ऑब्जेक्ट को कॉपी किस तरह किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट एंड माउस की, ठीक है, माउस बटन या ऑल्ट की के थ्रू हम किस तरह से कॉपी कर सकते हैं। और भी तरीके हैं कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, कंट्रोल सी प्रेस करूं और फिर कंट्रोल एफ करूं तो फ्रंट पे पेस्ट हो जाएगा, ये देखें। या मैं कंट्रोल वी भी कर सकता हूं, ये कहीं भी पेस्ट हो जाता है। मैं कंट्रोल बी करता हूं तो बैक पे पेस्ट होगा इसके, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताया इस लिहाज से, अफ्रीकन और अमेरिकन के लिहाज से, कि ऑल्ट का बटन प्रेस करें तो अमेरिका वाले भाई अफ्रीका के पास आ गए हैं साइड पे और कह रहे हैं कि हमें सेम एज इट इज इसकी कॉपी चाहिए, और ये उठा के मैंने इसके साथ अटैच कर दी, ठीक हो गया। अब आती है बात के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस काम ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इतने सारे कुछ शेप्स बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे, और ये इसमें ऐसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये ग्रुप कर लेता हूँ मैं। अब ग्रुप कर लिया मैंने इन शेप्स को, अब मैं क्या करता हूँ, मूव टूल से कहता हूँ कि सिर्फ ये शेप सिलेक्ट होना चाहिए, ये वाला। तो ये तो सारे फिर सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ मैं, इस शेप पे होवर करता हूँ तो स्पेसिफिकली इस शेप को इसने पिक कर लिया, देखें हो गया ना इजी। तो ये इसके प्रॉपर्टीज के अंदर जो है काफी हद तक काम आता है। अब एक और बात, हम इसी के थ्रू 3D डिज़ाइन भी थोड़ा सा बना सकते हैं, इल्यूजन ही होती है एक तरह से, असल में जो 3D नहीं होता वो इल्यूजन ही होती है। मैंने एक शेप ये लिया, मैंने क्या किया, कॉपी करने का तरीका किस तरह बताया कि ऑल्ट का बटन प्रेस करें, ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस करें, अमेरिका आ जाएगा और उसकी कॉपी बना देगा। अब मैं क्या करता हूँ, कलर लेके इसको थोड़ा सा डार्क में ले आता हूँ, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब इसको पकड़ा और इन 2 पॉइंट्स को पकड़ के मैं इस तरह से हटा देता हूँ और उठा के एज इट इज इसके ऊपर ला के रख देता हूँ। अब ये देखें एक बॉक्स का शेप आने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी की कॉपी फिर से बनाता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे अरेंज करता हूँ इसके साथ, यहाँ पे, ठीक है। और इसका कलर भी थोड़ा सा मैं और डार्क ले जाता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। देखिए ये बॉक्स बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब इसी ये जो ऊपर वाला था इसको कॉपी किया और नीचे ला के यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, इसको फ्रंट पे करें। अब देखें ये पूरा बॉक्स का शेप बन गया ना हमारे पास, ठीक है, क्योंकि असल में यहाँ से लाइट पड़ रही है तो ये ब्राइट एरिया, ये डार्क एरिया शेडो का है। तो पता चला फिर अफ्रीकन और अमेरिकन के बारे में, ये दोनों टूल थे। अब बात इस तरह से है कि ये दो टूल समझना जरूरी थे आप लोगों के लिए कि किस तरह से इनकी बैक एंड की स्टोरी हमें जाननी चाहिए, हमें पता होना चाहिए इनका कंसेप्ट क्या है, इनकी फंक्शनैलिटीज क्या है। अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल या मूव टूल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बेचारा रिसोर्सेज कम था तो अमरीका आके ले गया माल शाल उससे सब कुछ, अपने रिसोर्सेज भी बढ़ा के चला गया। तो ये है कि इनको सीख कर और इनकी स्टोरीज को जान कर आप लोग जो हैं क्या कुछ नहीं कर सकते, मतलब एक ग्रुप के अंदर मैंने जिस तरह आपको करके बताया और एक
2D शेप को 3D के अंदर आप एक इल्यूजन करके बताया कि असल में आंखों का धोखा है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू वो हो गया था। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया है, पक्का बैठ गया, देसी कंसेप्ट है और वीडियो अच्छी लगी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसके बारे में मुझे एक अच्छे से कमेंट कर दें। सेकेंडली वीडियो को लाइक करें, और व्यूज़ तो अच्छे खासे आ जाते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करता? मेहरबानी करो यार, सब्सक्राइब करो वीडियो को, हम लोगों का भी कुछ दाना पानी चले घर का। मेहरबानी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।